स्टार डेजल क्लासेस, हम बात कर रहे थे बी वर्ब के बारे में। बी वर्ब क्या होती है? बी वर्ब का सबको पता है बी वर्ब क्या होती है। बी का मतलब होता है होना, बी का मतलब क्या होता है होना। कल मैं बता रहा था आपको, पिछले वीडियो में बता रहा था बी का मतलब होता है होना। और बी वर्ब हमने पढ़ी थी क्या होती है, तीन फॉर्म हमने बी की पढ़ी थी कि इज आर एम होती है, इज आर और एम होती है, और वाज और वर होती है, और एक होती है उसकी थर्ड फॉर्म बी। ठीक है, हमने इनके बारे में बात करी थी कि बी की जो फॉर्म होती है ये प्रेजेंट में इज आर एम होती है, पास्ट में वाज वर होती है, और थर्ड फॉर्म परफेक्ट के अंदर बीन होती है। इज मैंने बताया था इज सिंगुलर के लिए होता है, आर होता है प्लूरल के लिए, और एम होता है ओनली आई के लिए। ओनली आई के लिए क्या होता है आर एम होता है, और वाज होता है सिंगुलर के लिए, और वर होता है प्लूरल के लिए, ये बताया था। और वाज और वर जो होते हैं वो पास्ट के अंदर होते हैं, वाज और वर पास्ट के अंदर होते हैं, और इज आर एम जो होते हैं वो प्रेजेंट, आपने प्रेजेंट के अंदर होते हैं। और बी का मतलब होता है होना, बताया था आपको। तो उम्मीद करता हूं कि आपने सबने किया होगा और एग्जाम्पल भी बहुत सारे किए होंगे। चलो आज हम नया कॉन्सेप्ट इसी से सीखते हैं, वैसे तो आपके सबके काम में आने वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपको सबको लगता है कि सर हम मतलब मेरे पास बहुत सारे ये इश्यू भी आए हैं कि सर हम अंग्रेजी बनाना चाहते हैं लेकिन हमसे हमें पता ही नहीं चलता है कि सर इसमें सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट का जब तक नहीं पता चलेगा तब तक आप सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट जो अपना अमृत था वो आप नहीं रख सकते हो। तो इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट को ढूंढेंगे कैसे, कि सब्जेक्ट कैसे होता है। और ये कंसेप्ट जो है वो मैंने आपके लिए निकाला, आपको कोई किताबों में नहीं मिलेगा ये कोई कंसेप्ट, किताबों में कहीं भी आपको ये कंसेप्ट नहीं मिलेगा। आप देखते हैं बी वर्ब के बारे में, देखें अब आज उस कंसेप्ट के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो उस कंसेप्ट को पढ़ते हैं क्या, सब्जेक्ट का पता लगाना, सब्जेक्ट कैसे पता लगता है। तो देखो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, छोटा सा एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि जो अंधकार है, अहंकार अंधकार का प्रतीक है। हम जो अब इसके अंदर कई जो स्टूडेंट्स है वो सर बोल रहे थे सर मुझे जो है इसके अंदर सब्जेक्ट पहचानने में दिक्कत हो रही है, सर सब्जेक्ट का कैसे पता चलेगा। तो सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो सब्जेक्ट जो आता है वो हमेशा सिंगल आता है, उसके अंदर उसके बाद में जो सब्जेक्ट के बाद में ना तो कोई मे पेपर आता है, मे पेपर सबने पढ़ा है, हिंदी सबने पढ़ी है, मे पेपर से ऐसी चीजें अगर आपको किसी भी शब्द के आगे या आगे जिस शब्द के आगे जब ऐसी चीजें मिले आपको मे पेपर से, तो उसमें वो सब्जेक्ट नहीं होता है। सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, हमेशा अकेला होता है। अब इसमें आपको सब्जेक्ट समझ में आ गया होगा, जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है, तो अहंकार हमारा क्या है इसमें सब्जेक्ट है। तो अब देखो बनेगा कैसे, सबका प्रतीक है ना, तो इसमें कोई वर्ब तो आपको मेन वर्ब तो इसमें नजर नहीं आ रही, मैन वर्ब आपको नजर आ रही है क्या, मैन वर्ब में आपको मैंने बताया था जिसमें भी किसी काम का होना, किसी भी काम का होना प्रदर्शित हो वो मैन वर्ब होती है, और लास्ट में क्या आता है ना आता है, ना जैसे खाना पीना उठना बैठना बताया था। अब इसमें ना वाला तो कोई सिस्टम ही नहीं आ रहा है, ना वाला तो कोई सिस्टम नहीं है, तो अब देखो ये बनेगा कैसे। अहंकार क्या बोलते हैं, ईगो, ईगो बोल सकते हो, ईगो इज यानी सब्जेक्ट अहंकार आ गया, ईगो इज क्या है अहंकार का प्रतीक, अहंकार का प्रतीक। अब मैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छी चीज बताता हूं, मतलब समझ में नहीं आता कि सर हम एस को लिखे कैसे, अहंकार का प्रतीक। अब देखो ये जो का है आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, ये संबंध को डिनोट करता है, किसको, किसी रिलेशन को डिनोट करता है, यानी कि अंधकार का प्रतीक। अब देखो संबंध आपने पढ़ा होगा, संबंध का के की मे पेपर सारे संबंध होते हैं। अब देखो इसमें जो क्या होता है, जो बाद वाला है उसको हम क्या करते हैं पहले लिखते हैं, और जो पहले वाला है उसको बाद में लिखते हैं। जो बाद वाला है उसको कहां लिखेंगे पहले, और जो बाद वाला है उसको हम सॉरी पहले वाला है उसको बाद में लिखेंगे, और जो बाद वाला है उसको हम पहले लिखेंगे।
तो क्या है अंधकार का प्रतीक और ऑफ का इस का क्या बन जाएगा ऑफ, तो सिंबल सिंबल ऑफ, और अंधकार को क्या बोलते हैं डार्कनेस, सिंबल ऑफ डार्कनेस। अब समझ में आया कि नहीं आया, बहुत इजी है, आप धीरे धीरे मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको मैं ऐसे ऐसे कंसेप्ट बताऊंगा बहुत इजी बना दूंगा इंग्लिश को, है ना। आप देखो अहंकार अंधकार का प्रतीक है सर, हमें ये नहीं पता चलता कि अंधकार का प्रतीक हम इसको लिखे कैसे, तो जो का के की जिसमें संबंध आता है तो उसके इधर उधर दोनों तरफ वर्ड आएंगे, दोनों तरफ शब्द आएंगे, तो जो बाद वाला है उसको हम पहले लिख देंगे और जो पहले वाला है उसको बाद में लिख देंगे और ऑफ से बीच में कनेक्ट कर देंगे, तो क्या बना ईगो इज सिंबल ऑफ डार्कनेस, यानी क्या बन जाएगा जो अहंकार है वो क्या है अंधकार का प्रतीक है। ठीक है, एक तो ये अपना एग्जाम्पल हो गया, हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे अब देखो एक 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 कंसेप्ट मैं आपको और बताता हूं, हम बोलते हैं कि पृथ्वी पे क्या है पानी ही पानी है, तो इसको कैसे लिखेंगे पृथ्वी पर पानी ही पानी है, पृथ्वी पर पानी ही पानी है, तो कैसे लिखेंगे तो there is nothing on earth, यानी कि पृथ्वी पे कुछ भी नहीं है, there is nothing on earth, पृथ्वी पे कुछ भी नहीं है, but पृथ्वी पे कुछ भी नहीं है but, तो क्या है पानी, तो यानी पृथ्वी पे कुछ भी नहीं है लेकिन क्या है बहुत सारा पानी ही पानी, यानी इसको कैसे बोलेंगे पृथ्वी पर पानी ही पानी है। अब देखो इसको, अब इसको दो दूसरे तरीके से बनाओगे तो पृथ्वी पे बहुत सारा पानी है, जैसे मैं लिखूं पृथ्वी पर बहुत सारा पानी है, पृथ्वी पर बहुत सारा, तो इसको कैसे बनाएंगे बहुत सारा, देखो मैंने जो आपको कंसेप्ट बताया था वो कभी गलत नहीं होगा, सब्जेक्ट वाला वही मैं वापस बता रहा हूं। देखो अब इसमें सब्जेक्ट को पता नहीं है सर, हमें सब्जेक्ट क्या है पृथ्वी पर बहुत सारा पानी है, सब्जेक्ट का नहीं पता चल रहा सर, सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, तो सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे मैं पेपर से का के की, ये हमारे सब्जेक्ट के आगे नहीं मिलना चाहिए हमें, ठीक है सब्जेक्ट के आगे हमें ये नहीं मिलना चाहिए, तो देखो कहाँ है पृथ्वी पर आ गया, मतलब ये क्या है ऑब्जेक्ट है, यही पता चल गया ये क्या है ऑब्जेक्ट, और बहुत सारा पानी अब देखो पानी अपना सब्जेक्ट क्या है पानी, लेकिन इसको डिनोट इसको जो डिटरमाइन कर दिया बहुत सारे से, इसको क्या कर दिया डिटरमाइन निश्चित कर दिया, नहीं हमारे पृथ्वी पे क्या है बहुत सारा पानी, तो हमारा सब्जेक्ट ये पूरा हुआ ना बहुत सारा पानी है, किसके ऊपर पृथ्वी के ऊपर, ठीक है तो इसको बनाएंगे कैसे देखते रहो कि पृथ्वी पर बहुत सारा पानी है, तो पानी है तो उसको गिन सकते हैं यानी अनकाउंटेबल ना होने, यानी वाटर जो है अनकाउंटेबल ना होने, तो उसके लिए क्या जाएगा मच वाटर है, फिर वो वर्ब नहीं है तो बी वर्ब इज आर एम का यूज करो, तो मच वाटर इज ऑन द अर्थ, मच वाटर इज ऑन द अर्थ, ठीक है समझ में आया कि नहीं आया कि पृथ्वी पर बहुत सारा वही पर वाला, अगर है ना अगर आपको ये कंसेप्ट ना अगर समझ में आ गया तो आप कभी भी इस कोई सा भी किसी भी लाइन का ट्रांसलेट इंग्लिश के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट आपके पास हो गया, वर्ब आपको लगानी है, वर्ब कौन सी है वर्ब का आपको पता करना है, वर्ब लगानी है और फिर उसका ऑब्जेक्ट लगाना, वो आप मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, मेरे वीडियो आप सारे कंटिन्यू देखिए आपको सब पता चल जाएगा, है ना सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे सब्जेक्ट को कैसे ढूंढेंगे, वर्ब का आपको मैंने पहले ही बता दिया, क्रिया क्या होती है ना जिसके लास्ट में आए वो वर्ब हो जाती है, ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट का कैसे पता चलेगा वर्ब से जो ही आप पूछोगे, वर्ब से जो ही आप पूछोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा उसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो इतना आपको समझ में आ गया। चलो आप नेक्स्ट में एग्जाम्पल और लेते हैं, दो चार एग्जाम्पल आज और करते हैं, वो मेरा जो कंसेप्ट है सब्जेक्ट पहचानने का वो एक रामबाण है आपके लिए, जो मेरा कंसेप्ट है सब्जेक्ट पहचानने का वो आपके लिए क्या है रामबाण। अब देखो जैसे मैं बोलूं दुकान में मिठाइयां है, दुकान में मिठाइयां है, दुकान में मिठाइयां है, तो क्या हो जाएगा दुकान में आ गया तो मतलब ये तो हमारा सब्जेक्ट हो नहीं सकता, मिठाइयां है तो सब्जेक्ट क्या है हमारा
मिठाई है, तो स्वीट्स, स्वीट्स मिठाइयां क्या बोलेंगे, स्वीट्स, और प्लूरल है, मिठाइयां बहुत सारी है तो उसके लिए क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, तो स्वीट्स आर इन द शॉप, स्वीट्स आर इन द शॉप। यानी ऐसे करके आप कितने भी सेंटेंस आप निकाल सकते हैं और बना सकते हैं, ठीक है। कितना आपको समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से। हम आगे एक दो एग्जाम्पल और करते हैं, जैसे पेड़ों पर पत्ते हैं, क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे जो पत्ते हैं, पत्ते किसके ऊपर है, पेड़ों पर, यानी ये क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, पर आ गया और पत्ते हैं, तो क्या हो जाएगा, लीव्स, लीव्स आर ऑन द ट्री, लीव्स आर ऑन द ट्री, बन रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं हो रही है आपको, आराम से बन रहा है। अब देखो एक तो एग्जांपल और देखते हैं, ईमानदारी एक अच्छी नीति है, ईमानदारी एक अच्छी नीति है, तो क्या हो जाएगा, ईमानदारी एक अच्छी नीति है, तो क्या हो जाएगा, इसमें देखो सीधा सीधा सब्जेक्ट आपको समझ में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी। यानी आप कितने भी एग्जांपल आप कर सकते हैं, ठीक। थैंक यू, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नीडी पीपल को आप ये शेयर करिए जितना हो सके। आप धीरे धीरे कोशिश करिएगा, आपके सारे कंसेप्ट आपके निकल जाएंगे, और आप कितना भी बड़ा, चाहे कितना भी बड़ा पैराग्राफ हो, चाहे ऐसे हो, आप इजीली बना सकते हो, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट है, मैं धीरे धीरे आपको टेंस के बारे में बताऊंगा, नाउन क्या होती है, प्रोनाउन क्या होती है, इंग्लिश के सारे कंसेप्ट हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। धीरे धीरे आप चलते जाइए।